हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त श्रुति गुप्ता। और दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूं एक चैलेंज वीडियो, साथ ही मेकअप ट्यूटोरियल। दोस्तों, यहां पे मेरे साथ कुछ मेरी यूट्यूबर फ्रेंड्स मेरा साथ दे रही हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और लास्ट में मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी मेकअप ट्यूटोरियल, उसे भी देखिएगा कि मैंने कैसे मेकअप किया। वैसे मुझे मेकअप करना नहीं आता, फिर भी मैंने कोशिश किया। आई होप ये कोशिश आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना। और हाँ दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा और हमारी कुछ प्यारी सी दोस्तों का
और चैलेंज वीडियो। आई होप ये चैलेंज वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना। और इन सब का मेकअप ट्यूटोरियल देखना है तो प्लीज़ इनके चैनल को विजिट जरूर करना। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देख रहे हैं मेरा मेकअप ट्यूटोरियल। तो यहाँ पर मैं तैयार हूँ मेकअप करने के लिए। वैसे मुझे कुछ भी करना नहीं आता है। यहाँ पर मैं टोनर लगा रही हूँ, मैं टोनर यूज़ कर रही हूँ। यह है इंडस वैली का कुकुम्बर टोनर जो काफ़ी अच्छा है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ योगार्ट जेल एज अ प्राइमर। अगर आपके पास एलोवेरा जेल है तो वो भी यूज कर सकते हो। घर में मैं मेकअप कर रही हूँ इसलिए प्राइमर का यूज नहीं कर रही हूँ। दोस्तों मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे की परफेक्टिंग लिक्विड फाउंडेशन जो काफ़ी अच्छी कवरेज देता है, 150 की रेंज में आता है। और दोस्तों वीडियो को मैं फास्ट मोड में चला रही हूँ ताकि मैं कम समय में आपके साथ ये मेकअप ट्यूटोरियल शेयर कर सकूँ और आपका समय ख़राब ना हो पाए। तो मैंने फाउंडेशन लगा लिया और काफ़ी अच्छी आप देख सकते हो कवरेज मेरे फेस में आपको दिख जाएगी। दोस्तों अब मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर। यहाँ पे है ओलिविया के मेकअप स्टिक जो है बहुत ही अच्छा कंसीलर। तो कंसीलर क्या करता है, हमारे डार्क स्पॉट को छुपाता है और आंखों के नीचे काला घेरा है उसे छुपाता है और बहुत ही अच्छी कवरेज देता है। तो ये हमारा जो मेकअप बेस है वो बनके तैयार हो चुका है। और आपको बता दूँ ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है मेकअप में। अब बारी है कम्पैक्ट या पाउडर लगानी। यहाँ पे मैं लूज पाउडर ना यूज़ करके कम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ जो है लैक्मे एब्सोल्यूट का, काफ़ी अच्छा है। ये आता है 600 की रेंज में लेकिन बहुत ही प्यारी कवरेज देता है। तो हमारा बेस तैयार है। और अब थोड़ा सा कंसीलर जो है वो पलकों पे लगाएंगे, आईलिड पे लगाएंगे। उससे क्या होगा, जो भी हम आई शेडो लगाएंगे ना वो बहुत ही प्यारा उभर कर आएगा। तो इसे ज़रूर लगाया करिए। अब है बारी आई शेडो लगाने की। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ रेड एंड गोल्डन कलर अपने ड्रेस के हिसाब से और ये मेरे कुछ औजार हैं। तो रेड कलर हम क्रीज में लगाएंगे और आई लिड पर लगाएंगे गोल्डन कलर। तो मैं एक पतले ब्रश की मदद से क्रीज बनाते हुए रेड कलर से। दोस्तों मैं फिर बता दूँ मुझे मेकअप बहुत अच्छा नहीं आता है तो कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए माफ़ करिएगा। तो मैंने जो अपनी आँखों की क्रीज है वो बना ली है और शक्ल भी बना ली है अपनी। अब मैं लगा रही हूँ गोल्डन शिमर कलर। तो जो शिमर कलर होता है आई शेडो होता है जो, तो उसे ना हम लोग छोटी उंगली जो अपनी होती है ना उससे लगाते हैं। उससे क्या होता है बहुत ही अच्छा उभर कर आता है। आप ब्रश से लगाओगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हमेशा कोई भी शिमर कलर है तो आपको अपनी उंगलियों से लगाना चाहिए। अब देखिए ठीक ठाक मैंने कर लिया ना, अभी कहाँ किया है। अब बारी क्या है, अब बारी है इसको क्रीज और बनाने की। अभी क्या थोड़ा सा दोनों कलर को आपस में मिक्स करेंगे ताकि वो अलग अलग नज़र ना आए और भद्दा ना लगे। अब बारी है आईलाइनर की। तो यहाँ पे मैं स्केच आईलाइनर यूज कर रही हूँ। तो दोस्तों मैं लगा रही हूँ आईलाइनर, ये है स्केच आईलाइनर। दोस्तों अगर आपको आईलाइनर नहीं लगाना आता है, अभी मेरी तरह है जिन्हें आईलाइनर नहीं लगाना आता है, तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। बहुत ही आसानी से आईलाइनर लग जाता है, बिल्कुल भी झंझट नहीं होता। आप देख सकते हो कितनी आसानी से मैं अपने आँखों में आईलाइनर लगाते हुए और इसे लगाने के बाद दिल से बताओ तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है क्योंकि बहुत ही अच्छा आईलाइनर लगता है। और ये जो आईलाइनर है ये है 36H और कुछ चाइनीज में लिखा हुआ है। जी हाँ, ये इसका नाम है और ये मुझे मिला था लगभग 320 रुपए का, मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाता है। और मैं अब आँखों में काजल लगा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों अब है बारी कजरा मोहब्बत वाला यानी काजल लगाने की। तो मैंने अपने आँखों में काजल लगा लिया है। अब आ रही है अपनी आंखों को थोड़ी स्मोकी बनाने के लिए। तो स्मोकी बनाने के लिए ये जो आइडिया है, जो हम लोग आई शेडो लगाते हैं उसी ब्रश को लेकर थोड़ी सी काजल की जो नीचे आईलिड होती है ना उस पर थोड़ा सा लगा देते हैं, उससे हमारी आंखें और भी अच्छी और भी उभर कर आती है और मेकअप ना बहुत ही अच्छा लगता है। अब बारी है मस्कारा लगाने की। तो मैं अपनी पलकों पर मस्कारा भी लगा देती हूँ। ये जो मस्कारा मैं यूज़ कर रही हूँ ये है लैक्मे का, ये भी मुझे 300 की रेंज में मिला था। और आपको बता दो सुबह के 5:17 हो रहे हैं और मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, आज पूरी रात बैठ के मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आई होप मेरी मेहनत आपको अच्छी लगे। सारा मेकअप कर लेते हैं लेकिन हम अपने आईब्रो फिल नहीं करते। अगर आईब्रो फिल नहीं करते ना तो मेकअप उभर के नहीं आता। तो जो आईब्रो है ना उस पर ध्यान दे लिया करो, जो अक्सर लोग नहीं देते हैं। अब मैं यूज़ कर रही हूँ नोट का लिप लाइनर जो आता है 400 की रेंज में लेकिन काफ़ी अच्छा है। ये है चेरी रेड कलर। और मैं अब यूज करने वाली हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट की लिपस्टिक जो शेड नंबर है 23 और नाम है इसका प्लम रोज़, जो काफ़ी अच्छा शेड है। आपको मेरी लिपस्टिक कैसे लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये मेरा मेकअप ट्यूटोरियल कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना।
आज ट्यूटोरियल देख के पता चला कि यार मेकअप करते हुए मैं कितनी शक्ल बनाती हूँ, कितनी गंदी लग रही हूँ, पर कैसे लग रही हूँ मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। और थोड़ी सी और लिपस्टिक लगाने के बाद मेरी लिपस्टिक कंप्लीट हो गई है। अब दोस्तों मैं बस लगाने वाली हूँ शिमर पाउडर, उसके अलावा मैं कोई और मेकअप नहीं करूँ। शिमर पाउडर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा ग्लो आपके फेस में आ जाता है, और आप देख सकते हो मेरा फेस है वो बहुत ही ज़्यादा ग्लो कर रहा है। दोस्तों अब मैं लगाने जा रही हूँ शिमर पाउडर, जो मेरा सेकंड फेवरेट प्रोडक्ट है मेकअप में। दोस्तों इसको लगाने के बाद हमारा चेहरा जो है ग्लो करने लगता है, और इसे हाइलाइटर बोलते हैं, तो इससे आप अपना फेस हाईलाइट कर सकते हैं और बहुत ही प्यारा लुक आता है। और ये मेरा फाइनल लुक तैयार है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं लगाया। दोस्तों ये है मेरा फाइनल मेकअप लुक, आई होप ये अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये चैलेंज वीडियो आपको कैसा लगा, मज़ा आई कि नहीं आई कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। और मेरे सारे यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं जो उनका चैनल ज़रूर विजिट करिएगा। और सुबह के हो गए हैं 5:30, मेरा गला हो गया बिल्कुल सूख गया है, तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, थोड़ी सी बोलने में मुझे दिक्कत हो रही है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बगल में लगी घंटी बजा देना, घंटी के साथ आता है ऑल का बटन उसे भी क्लिक कर देना, ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल, टेक केयर।